तो चलते हैं, आज मैं इसको सीधा अपलोड करूंगा, जो भी हमारी चलती है डाउट क्लास है ना, तो आपको पता भी चल जाएगा ताकि क्या क्या होता है बाकी स्क्रीन नहीं दिख बच्चे। रही है। हाँ मैंने हाइड कर रखी है अभी थोड़ी देर के लिए। आप दिख रहे स्क्रीन सभी को? इज विजिबल? हाँ भैया अब दिख रही है। हाँ भैया ओके ओके, सभी को दिख रही है ना? अमृत, अतनु, अतनु कैसे हो भाई? अतनु भी आ गया, अरे वाह, कैसे हो? सबसे पहले आप सभी को गुड अच्छा गुड, अपने डाउट भेजिए ना भाई। हाँ तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जब लिंक ओवर हो जाए तो मुझे बता देना ताकि हम कर पाए 7a² + 14a। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली जो ये बच्चे का डाउट है पहला, तो इसमें करना हमें सीधा फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन क्या करना है, हम 7a² को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए, फिर 14 को ब्रेक कर दो, हम जानते हैं 2 7 जा 14, और इंटू ए अलग कर दो इसको। अब देखो क्या कॉमन है, आपको निकालना है कॉमन, कॉमन पार्ट क्या है। सर 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक ए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो क्या निकाल दोगे, 7a कॉमन आ गया। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, अगर ये 7a पार्ट बाहर चले जाएगा तो क्या बचेगा, खाली a बचेगा, तो यहाँ रह जाएगा a, प्लस का प्लस, फिर क्या रह जाएगा, 2a का आ जाएगा, a प्लस 2, ये रहा फाइनल आंसर। आ गया समझ में वंश तुषीद? नहीं भैया, आ गया ना, हो गया डाउट। अगले वाला जो पार्ट है आपको, फोर्थ नहीं वाला, भैया नहीं आया। नहीं आया? हाँ भैया देखो कुछ नहीं किया बच्चे मेरे, देखो 7a² है, मैंने इसका फैक्टराइज कर दिया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 into a into a, तो क्या है? इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a कितनी बार है, 2 बार, तो 7a² बनेगा। बताओ यहां तक समझ आया? हाँ भैया यानी ढंग से तूने बेसिक नहीं हाँ देखा, भैया मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ढंग से तूने बेसिक नहीं देखा। 14a, अब देखो 14 को मैं कैसे ब्रेक सकता, इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, 2 7 जा 14, यस और नो, हाँ भैया इनटू ए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो कॉमन इस, मैंने हाँ सेम वही भैया किया है जो मैंने यहाँ पे ऊपर में किया था। अब मैंने क्या किया है कि इसमें से कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, देखा सर 7 यहाँ पे भी है, देखो 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है और एक ए यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह पे है, बाकी कुछ तो कॉमन नहीं, तो मैंने 7a क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 7a कॉमन ले लिया, और बचा क्या, सेवन यहाँ पे बचा ए बचा, और यहाँ पे बचा 2, ए प्लस 2 यहाँ ब्रैकेट में आ गया, बस फैक्टर निकाल लिया हमने इसके। समझ आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया फिर बता दो, आ कोई गया दिक्कत, भैया। अभी भी बता सकते हो भाई, नहीं आएगा तो जब तक क्लियर नहीं होगा कोई फायदा ही नहीं आगे बढ़ने का, पता है ना टेस्ट होने वाला है तुम्हारा, तो प्रैक्टिकली टेस्ट होता है आमने सामने। बाकी नोट डाउन कर सकते हो, जिसको नोट डाउन करना है डाउट हो इस वाले क्वेश्चन में, किस किस को डाउट है ये वाला क्वेश्चन में, कोई इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, किसी भी पार्ट में पूछ सकते हो, नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर लेना वंश, फिर उसके बाद मुझे बताना आप। भैया कर लिया नोट। ओके, और किसी को कोई डाउट था? अमृत, गोविंद, ध्रुव, गोविंद डाउट था भाई इसमें, इस क्वेश्चन में? भैया हाँ बताओ, बोलो बोलो गोविंद। मुझे ये क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में एक डाउट मिनट है मेरे को। एक मिनट, पहले गोविंद कुछ बोल रहा है, बताओ गोविंद, फिर आपके बाद आते वंश, ध्रुव बोलो। ये 3 क्वेश्चन का ये फर्स्ट वाला बता दो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा कह रहे हो बच्चे, मुझे एक बार बताओ ढंग से, जो आपने मुझे भेजा वो वाला कह रहे हो? हाँ सर अच्छा ठीक है, हाँ जो बताओ तुम क्या करते हैं इसमें, कौन सा वाला समझ में नहीं आया, 9th और 10th। 9th और 10th पार्ट, हाँ भैया चलो ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं, 9th और 10th पार्ट करवा देते,
क्या है पहला पार्ट, नाइन्थ पार्ट? एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब देखो इसमें तो सिंपल दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर इसमें क्या चीज है, एक्स वाई जेड तो सभी में कॉमन है, क्या है एक्स वाई जेड तो सभी में कॉमन है कि नहीं ध्रुव? हाँ भैया है कि नहीं। तो देखो नाइन्थ और टेंथ दोनों एक जैसे ही है, एक्स वाई जेड इसमें भी, एक्स वाई जेड इसमें भी, एक्स वाई जेड इसमें भी है, लेकिन एक किसी के पास एक्स दो है, इसी के पास ये, इसके पास वाई दो है, इसके पास जेड दो है, तो हम क्या करेंगे सिंपल निकाल लेंगे एक्स वाई जेड। यहाँ तक समझ आ गया, कॉमन कॉमन क्या था, एक्स वाई जेड सभी के पास है, इसके पास भी एक्स वाई जेड है, इसके पास भी एक्स वाई जेड है, इसके पास भी एक्स वाई जेड है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, कितने दो है इसके पास, दो एक्स है, तो एक एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली एक्स रह जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था सर, वाई इसके पास दो थे, तो यहाँ पे प्लस वाई कॉमन रह जाएगा, इसके पास जेड दो थे तो जेड कॉमन रह जाएगा, बस सोल्यूशन एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल बहुत इजी है। तो ये खाली दिखने को है, हाथी के दांत है, दिखाने को कुछ और है, करने को कुछ और है। आगे समझ में? देखो वंश, हाँ कितना वंश कितना अच्छा बच्चा बैठा हुआ है कि वो अपना वीडियो कैमरा ऑन खोल के बैठा है कि पता है क्या अटेंटिव है पढ़ाई में। देखो कुछ सीखना चाहिए ऐसी चीजों से, सीखो ऐसे सारे। देखो ऐसे ही तो मजा है भाई पढ़ाई में, नहीं तो क्या मजा है डाउट क्लास में। डाउट क्लास में तभी तो मजा है जब समझ में आओगे, यहाँ पे पूछोगे, अटेंटिव रहोगे। ठीक है, टेंथ हो जाएगा फिर इसी तरीके से। और फिर कौन थोड़ा कौन? मुश्किल है क्योंकि मेरे दो में एक्स एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें फर्स्ट ये तो नहीं हो पाएगा भैया, ये कौन थोड़ा सा वाला, दिमाग ट्विस्ट कर देगा, घुमा देगा। फर्स्ट टेंथ वाला वाला पार्ट, टेंथ वाला लाओ कर देते भैया, भाई। टेंथ। हाँ ये उतार लिया आप लोगों ने, चलो टेंथ करवा हाँ देते भैया, भाई, टेंथ करवा देते हैं, ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जब दिक्कत हो रही तो मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। टेंथ पार्ट आ गया, अब देखो क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, ध्यान से देखो सर, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, सर इसमें वाई है, इसमें वाई है, इसमें वाई है, बाकी कुछ तो है ही नहीं। Z है किसी के पास, नहीं है ना, A है किसी के पास, ना B है, तो क्या निकल जाएगा, खाली कॉमन क्या निकला हमारा, एक्स वाई। क्या फैक्टर है वंश ध्रुव, एक्स वाई, इसके अलावा कोई फैक्टर है, इसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है किसी को, मुझे बता दो, कोई दिखे बता दो, नहीं ना, नहीं भैया। ओके तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे भाई, क्या रह जाएगा जब इसके पास से एक्स चले जाएगा, एक तो ए आ गया, दो एक्स थे, एक एक्स बाहर चला गया तो ए एक्स हो गया, समझ में आया, जहां नहीं आया रोक देना भाई। यहाँ पे रह जाएगा बी रह जाएगा, है ना, और इसके पास दो वाई थे, एक वाई बाहर चला गया तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, सर इसमें तो एक्स वाई दोनों चले गए बाहर, क्या रह गया सी जेड रह गया, तो ये रहा सोल्यूशन, बस हो गया, हो गया सोल्यूशन। है कुछ ज्यादा टफ नहीं भैया, ओके वेरी गुड। अब आते हैं गोविंद के क्वेश्चन पे, ठीक है, नाउ कम टू दी गोविंद क्वेश्चन, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ यहां से, समझ में आ गया ना ध्रुव? हाँ भैया, ओके शाबाश, चलो गोविंद का आंसर कौन सा है, तुम्हारा भी एक डाउट था अलग से ना, आठ ये किसका डाउट है, भैया ये मेरा डाउट था, चला गया, बताया क्यों नहीं समय, मेरे को थोड़ी देर के लिए स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अच्छा ये तो वंश का डाउट क्लियर हो गया ना, अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गया भाई, अब ये वाला आ जाते हैं, ये गोविंद डाउट है ना भाई आपका, बताओ कौन सा समझ आना है इसमें,
गोविंद। सर तीसरे का फर्स्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज, ये कह रहा हूं ना क्वेश्चन नंबर मैं लिख रहा हूं देखना, फैक्टराइज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई, यही है ना गोविंद? यस। ओके भाई देखो अपना कैमरा ऑन कर लो, जब तक समझ में ना है भाई आगे नहीं पढ़ना हमें, ठीक है? देखो जब तक समझ में ना है तब तक आगे नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है? तभी समझ में आएगा आगे, ठीक है भाई? अच्छा अब आते देखो, बहुत आसान है देखो गोविंद, इसमें करना क्या था हमें, हमें क्या करना था, फैक्टराइज करना था। अभी हमने जो किया था हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है? हम यहाँ पे मान लो एक इसको मान लो, इस बॉक्स को देखो और एक इस बॉक्स को देखो, मैं इसको कलर से समझा देता हूँ, एक येलो बॉक्स देखो और एक ये पिंक बॉक्स देखो, समझाया? येलो बॉक्स और पिंक बॉक्स, और आसान से समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? येलो बॉक्स और पिंक बॉक्स में देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, देखो यहाँ दो एक्स है, एक्स की पावर दो यानी दो एक्स हो गए, एक यहाँ पे एक्स है एक यहाँ पे एक्स है कि नहीं गोविंद? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक एक्स बाहर ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, एक एक्स हमने बाहर ले लिया, अब हम एक एक्स बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना एक्स बचेगा गोविंद, दो एक्स से एक एक्स बाहर चला गया, कितना एक्स बचा इसके पास में, एक एक्स तो हमने यहाँ दे दिया, एक ही एक्स बचेगा ना, यस और नो? यस। तो ये एक्स कहाँ आ जाएगा, ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला एक्स हमने पहले बाहर ले लिया, तो क्या बचा खाली, क्या बचा यहां से अगर ये एक्स चले जाएगा बाहर तो क्या बचेगा, वाई। वाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, यहां तक आ गया समझ में? अब देखो भाई अब आ जाते पीला बॉक्स का काम खत्म यहाँ पे, अब आ जाते प्लस का साइन है, देखो प्लस का साइन है, देखो जिसको दिक्कत होती है इस वाले पार्ट में, प्लस का साइन है, यहाँ प्लस उतार दो सेम। अब इसमें एट एक्स और एट वाई में क्या कॉमन दिख रहा है भाई, क्या है जो दोनों पार्ट में पिंक वाले बॉक्स में, देखो आप ही बता दोगे सोल्यूशन, बहुत ईजी है, क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, क्या से दोनों में एट, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, तुम समझ में क्या गए, क्या बचा इसके पास से, ये इट में से एट चलेगा तो क्या रह जाएगा खाली, इसमें एक्स वाई, एक्स रह जाएगा ना खाली, एक्स इधर से बाहर चला गया एट तो क्या रह जाएगा, वाई रह जाएगा। अब देखो एक्स प्लस वाई दोनों सेम है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई सेम है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई, और क्या बचा x प्लस एट, इसको ऐसे लिख देंगे, बचा हुआ वाला x, ये वाला x इधर आ गया और ये प्लस एट इधर आ गया, तो आंसर ये रहा सॉल्यूशन, है ना, मजा आ गया समझ में, आया समझ में गोविंद? आ गया, दोबारा समझना है, दोबारा समझना है, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक एक बच्चे का डाउट क्लियर करूंगा यहाँ पे। आ गया गोविंद? आ गया सर। ओके शाबाश शाबाश, उतार लो फिर उसके बाद। ध्रुव अमृत कैसे हो आप भाई, आपको कोई डाउट नहीं है, आपको कुछ पूछ रहे हैं, पूछ सकते हो आप मेरे से। भैया अमृत का फेस रिवील रह गया। हाँ जी तीसरी अमृत का फेस रिवील रह गया, क्या कह रहे हो, अरवी अमृत का फेस रिवील रह गया, अमृत का, हाँ अमृत भाई आप दिखा दो फेस गोविंद को, ये सबका फेस देखना चाहता है, एक बार कैमरा ऑन कर दो जैसे सभी ने कह रखा है, देखो ये रख अमृत, हाय कर दो सबको, हाय है ना, देख लिया भाई अमृत को भी, शाबाश, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है गोविंद, और कोई डाउट है भाई, और कुछ पूछना है या अमृत, फिर उसके बाद ध्रुव, ध्रुव के क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है? और गोविंद वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप इसी तरीके से मेरी क्लास में अटेंटिव रहो, जो डाउट होंगे वो मैं आपके क्लियर करूंगा, डोंट वरी, ठीक है?
नाउ कम टू दी ध्रुव डाउट. उतार लिया गोविंद आपने क्वेश्चन? क्वेश्चन उतार लिया आप लोगों ने? अब मेरा यस भैया. ओके, ये वंश का क्वेश्चन बार बार काहे टपक रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहे वंश का क्वेश्चन है. शुरुआत इसके क्वेश्चन से ही तो कह रहा है, अरे सर आप जहां जा रहे हो मैं वहीं पे आ रहा हूँ टपक के. जो थंबनेल है जो मैंने यूज किया. ध्रुव जी आप अपना क्वेश्चन बता दीजिएगा. ये क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे, ये भी चलो ठीक है. अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि स्क्रीन पे विजिबल हो जाए. कौन सा वाला बताओ, बताइए आपका डाउट क्या है? फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ. फर्स्ट थर्ड और सिक्स्थ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है. फिफ्थ. हाँ फिफ्थ, कोई दिक्कत नहीं. सिक्स तो पार्ट ही नहीं है इसके अंदर, पहला फर्स्ट पार्ट समझना है. देखो 10x-25/5 ये है. आप देखोगे ऊपर में कॉमन निकाल दोगे. देखो 10x और 25 में क्या 5 के टेबल में 10 आता है, 25 भी आता है. आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है भाई? आता है भैया. देखो तो मैं 5 अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या 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 रह जाएगा, 2x रह जाएगा और 5 जा 25 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 5 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, 5 टू जा 10 और 5 जा 25. इसका मैसेज टप का है, इसने कोई डाउट भेजा क्या? वंश ने भेजा है भैया, मैंने भेजा. चलो भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ भाई बताओ, लिख सकते हैं ध्रुव? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ भैया. हाँ नहीं भैया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. अच्छा मैं कह रहा हाँ भैया डाउट है. 5 से 5 गया? 5 से 5 गया? हाँ भैया. क्या आंसर आ गया? 2x-5, बस ये रहा सलूशन. बहुत इजी चैप्टर है ये तो, बहुत ही इजी चैप्टर है ये. है कि नहीं, बच्चों वाला चैप्टर है. मेरे को ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, पहला ऐसा चैप्टर है. अगला बताओ कौन सा पार्ट नहीं आया समझ में, उतार लो जल्दी से. मैं उतार लिया भैया, अगला थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट है, चलो ये टाइम 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा, तो जब आपकी शक्ल हटेगी तो कृपया करके मुझे संकेत कर दीजिएगा ताकि हम इसमें कर देंगे. भैया ग्रुप पे बता देंगे. हाँ थर्ड पार्ट तो क्या है, 10y-6y+21/5y, 5 2y+7. ठीक है, बहुत ही इजी है, उतार लो इसको पहले इस फॉर्मेट पे लिख दो. 10y 6y, छोड़ो यहीं पे उतार लेते हो. देखो डिवाइड वाला क्वेश्चन तो ऊपर दिख ही रहा है ना, तो मैं इसको फॉर्मेट में लिख सकता हूँ जैसे डिवाइड में लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में. 10y 6y+21/5 यानी इसका मतलब ये हो गया 5 2y+7. ठीक है वंश? देखो ध्रुव अब देखो. हाँ भैया. अब इससे 5 से 5 चला गया, 5 से 5 चला गया, 5 2 जा 10, यहाँ तक समझ आ गया ध्रुव? हाँ भैया. तो ऊपर में क्या रह जाएगा, अब जो रहेगा 2y(6y+21) नीचे 2y+7. अब देखो 6 और 21 को देखो एक बार ध्यान से, किसके टेबल में आते हैं 6 और 21? भैया 3 के टेबल में. तो मैं क्या 3 कॉमन निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता. तो 2y(3) जब कॉमन निकलेगा, 2y का तो 2y सेम रखा है, इंटू 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2y, 3 2 जा 6 होता है और 3 7 जा 21. यहाँ तक कोई डाउट इस स्टेप में? एक बार दोबारा समझा दो.
देख भाई, टू वाई ये था, अगर मैं इसमें से थ्री कॉमन लेता हूँ यानी इंटू थ्री ले लिया, टू वाई का तो टू वाई सेम रहेगा, ये सेम रह गया है कि नहीं। मैंने क्या ले लिया, तीन कॉमन ले लिया, तीन कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो सिक्स वाई में से थ्री कॉमन चले जाएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, क्या रह जाएगा यहाँ, क्या आएगा अगर इसमें से तुम तीन कॉमन निकालोगे सिक्स वाई में से, क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, वाई तो रहेगा प्लस टू वाई नहीं रह जाएगा, टू भाई मेरे टू वाई नहीं रहेगा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं खाली, अभी इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें से अभी मैंने थ्री वाई निकाला है तो टू वाई नहीं हो जाएगा, थ्री टू जाए सिक्स वाई तभी तो होगा सिक्स वाई। अभी देखो ना सिक्स वाई है तो इसके फैक्टर ऐसे हो जाएंगे थ्री टू जा सिक्स इंटू वाई, अब थ्री तुम कॉमन निकालोगे तो टू वाई तो रहेगा, आया समझ में कि नहीं आया चार्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या जाएगा टू वाई हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे से तीन कॉमन निकाल दोगे ट्वेंटी वन में से क्या रह जाएगा भैया सेवन, वेरी गुड सेवन, सेवन रह जाएगा, नीचे क्या है टू वाई प्लस सेवन। अब देखो ये टू वाई प्लस सेवन दोनों सेम है, हैं? हाँ भैया। मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, हाँ भैया। क्या रह जाएगा टू वाई इंटू थ्री सिक्स वाई, फाइनल आंसर आ गया समझ में, सिक्स वाई कैसे हाँ आया, बस अब अगला पार्ट करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ भैया आ गया, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, तो मैं सीधा इसको बंद करता हूँ, ये जो डाउट थे ध्रुव आपका डाउट मैं पर्सनली क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अतनु का कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे, है ना, अतनु को सब समझ में आ रहा है, एक बार सभी कैमरा ऑन कर लो, है ना, अभी हमारे पास है पांच मिनट है, ठीक है, तो हाय अतनु, सबसे पहले हाय अमृत और हाय गोविंद, सभी मेरे प्यारे बच्चों को सबसे पहले हाय, और गणेश चतुर्थी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी डाउट क्लास चल रही है आप लोगों की तो कोशिश रहेगी फिर से लाइव क्लास लेके आएंगे, और कोर्स तो तुम्हारा खत्म होने वाला है, बस तीन चैप्टर रह गए तुम्हारे, डाटा हैंडलिंग और दो तीन तुम्हारे बस वो विजुलाइजिंग शॉर्ट शेप वगैरह नहीं, जो कि एक तुम्हारा क्या कहते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, और एक चैप्टर और है जो मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो हमारा चैप्टर इस मंथ से पहले पहले खत्म हो जाएगा, यानी अक्टूबर तक हमारी मैथ्स की बुक खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम लाएंगे टीएनडी, हम टीएनडी सीरीज लेके आने वाले हैं, क्या लाने वाले, टीएनडी सीरीज लाने वाले, तो टीएनडी सीरीज में क्या होगा टेस्ट एंड डिस्कशन, टेस्ट एंड डिस्कशन, टीएनडी बोले तो टेस्ट एंड डिस्कशन, टेस्ट एंड डिस्कशन में क्या होगा कि हम लोग ना वो क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में सबसे ज्यादा आए हैं, जो पेपर में अब तक सबसे ज्यादा आए और जिसके चांसेस हैं कि पेपर में दोबारा भी आ सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं टीएनडी में जो हमारे पेपर में सबसे ज्यादा आए, और वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोग को प्रैक्टिस, चैप्टर तो मैंने कवर करवा दिया है कि नहीं, कोर्स तो मैंने खत्म करवा दिया, पेपर की भी तो तैयारी करवानी है मुझे, पेपर की भी तो तैयारी करवानी है, तो पेपर की तैयारी के लिए हम लाएंगे टीएनडी लॉन्च करेंगे, वो कब होगा अक्टूबर मिड से, 15 अक्टूबर से आपका टीएनडी लॉन्च होगा, और उससे पहले जितने भी सिलेबस है वो खत्म कर लो, और बहुत सारी चीजें आने वाली है मेरे चैनल पे, आप देख रहे हो जॉब रिलेटेड भी अपडेट डालते रहता हूँ, कौन कौन सी जॉब निकलती है, कल मैंने दो जॉब की निकाली है, आज रेलवे में जॉब निकली है, तो जैसे कि जो आपके घर में 10th पास होंगे तो वो लोग भर सकते हो उस जॉब के लिए, जो आज उसकी निकली आपकी रेलवे में निकली है तो उसको अप्लाई कर सकते हो, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। हाँ बताओ भाई, ये डाटा हैंडलिंग लाइव क्लास कब होगी, डाटा हैंडलिंग की लाइव क्लास में भी आज रिकॉर्डेड क्लास करूं, क्योंकि मैं यार बहुत ज्यादा थक गया था, मैं तो सही बताऊं कंटेंट बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं 1 बजे डेली सो रहा हूं, और भी कंटेंट बना रहा हूं, मैंने बताया था ना मोटिवेशनल कंटेंट बना रहा हूं, मोटिवेशनल कंटेंट, आज भी एक वीडियो डाली थी सुबह, वो तो शॉर्ट्स था, वो तो ऐसे ही डाला था, मोटिवेशनल कंटेंट की मैंने 8 वीडियो बना चुका हूँ अब तक, 8 वीडियो शूट किए मैंने, 8 वीडियो वो आएगी मंडे से, लॉन्च हो जाएगी मंडे से, आपके पास मोटिवेशनल वीडियो का सोर्स आएगा डेली,
ठीक है, हर मंडे आपको एक मोटिवेशनल वीडियो मिलेगी जो आपकी समस्या का समाधान होगा। और एक तो आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं है बहुत बच्चों ने, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, देखी कई लोगों ने, नहीं देखी ना तो प्लीज देखना उसको जाके, मैं दिखा देता हूँ, नहीं देखी तो मैं ही दिखा देता हूँ थोड़ी सी जब तक टाइम है। मैं अपने चैनल से दिखा देता हूँ, है ना। और तुम लोग जाते हो ना जब मेरे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट पे जाया करो, कभी भी किसी को देखना है ना। और मैं बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। अब ये देखो, जॉब अपडेट, यूपीएससी, स्टूडेंट डेस्क, और स्टूडेंट डेस्क में आप सभी को मिलेगी क्लास 12th का इंग्लिश क्रैश कोर्स, ये तो मेरा वो था, ठीक है, बेसिक मैथ्स, ये सारे देखो आपकी 45 क्लासेस हो चुकी है अब तक इसके अकॉर्डिंगली। मोटिवेशनल वीडियो में है तुम्हारा, क्या है मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल ये रहा, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, ये है मेरी वीडियो, रुको एक मिनट। मिल गया, ये देखो दिख रही है स्क्रीन सबको, मैं वीडियो दिखाता हूँ, दिख रही है स्क्रीन, आवाज आ रही है? नहीं भैया, ये वीडियो का लिंक है, ठीक है, मैं आपके उसमें डाल रहा हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, देख लेना भाई जिन्होंने नहीं देखी है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है सर, मैंने और देखा। आपने अतनू ने देखा है, मुझे पता है कुछ बच्चों ने देखा है मुझे। तो देखो ये आप लोग की समस्या है ना, देखो मैं एक चीज तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिस बच्चे को कोई इश्यू होगा ना वो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकता है, यानी आप स्टूडेंट की समस्या का समाधान मैं करूंगा, ठीक है, मतलब जैसे पढ़ाई में समस्या, दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आता, या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, पढ़ते वक्त मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वगैरह वगैरह वगैरह, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम स्टूडेंट लाइफ में फेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, वो मैं सॉल्व करूंगा आपकी, तो यही सारी चीजें उससे रिलेटेड मेरे कंटेंट डालने वाला। और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, किस पे भी वीडियो बना के डाल सकते हो,